हेलो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे सेट करते हैं, क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं बाय स्पेसिफाइंग सिंपल एंड मल्टीपल क्राइटेरिया और फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं सीखें। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को होल्ड कर सकता है। इसके अलावा ये मल्टीपल टेबल्स में डेटा को अरेंज कर सकता है। जब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक टेबल में ज़्यादा हो जाते हैं, तब किसी भी यूज़र के लिए डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है स्पेसिफिक रिकॉर्ड को टेबल से एक्सट्रैक्ट करना। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है थ्रू क्वेरीज। क्वेरी क्या है? क्वेरी एक सिंपल क्वेश्चन है जो डेटाबेस से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए कोई पूछता है। इसी तरह से एमएस एक्सेस में जब आप क्वेरी बनाते हैं, तब स्पेसिफिक सर्च कंडीशन को डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेरीज प्रोवाइड करता है, जैसे सेलेक्ट, पैरामीटर, क्रॉस टैब, एक्शन एंड एसक्यूएल क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी एक या एक से ज़्यादा टेबल से डेटा को रिट्रीव करता है और डेटा शीट में रिकॉर्ड सेट को डिस्प्ले करता है। आप सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ डेटा को ग्रुप में करने के लिए, सम काउंट कैलकुलेट करने में और दूसरे टाइप ऑफ कैलकुलेशंस में भी कर सकते हैं। पैरामीटर क्वेरी ये टाइप ऑफ सेलेक्ट क्वेरी है जो आपको क्वेरी रन करने से पहले प्रॉम्प्ट करता है इनपुट के लिए। इनपुट यहाँ पर सर्च टर्म है। फिर क्वेरी इनपुट को एज अ क्राइटेरिया यूज करता है और रिजल्ट डिस्प्ले करता है। एक्शन क्वेरी ये न्यू टेबल को क्रिएट करता है और डेटा को ऐड, डिलीट, अपडेट एंड अपेंड करता है यहाँ से। क्रॉस टैब क्वेरी रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग को यूज करता है ताकि आप अपने डेटा को टू कैटेगरीज में देख सकें। तो चलिए टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे सेट करते हैं ये जानेंगे आप। इसके लिए सबसे पहले डेटाबेस ओपन करते हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी ओपन है। मैंने दो टेबल स्टूडेंट एंड मार्क्स नेम के पहले से बना के रखे हैं, तो स्टूडेंट नेम के टेबल को हम ओपन करते हैं। स्टूडेंट, रिलेशनशिप एक लिंक है जो एक टेबल के फील्ड को दूसरे टेबल के फील्ड से जोड़ता है। एक बार जब आप रिलेशनशिप टेबल्स के बीच में डिफाइन कर देते हैं, तब आप दोनों टेबल से डेटा यूज कर सकते हैं क्वेरी, फॉर्म या रिपोर्ट में। स्टूडेंट्स, दोनों टेबल में रिलेशनशिप सेम नेम के मैचिंग फील्ड पर काम करता है। रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए पहले दो टेबल बना लेंगे। मैंने यहाँ पर दो टेबल स्टूडेंट एंड मार्क्स नेम का बना के रखा है। डेटाबेस टूल्स पर क्लिक करेंगे और रिलेशनशिप्स ग्रुप से रिलेशनशिप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऐड टेबल विंडो अपीयर हो गया। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 में शो टेबल यहाँ पर ऐड होता है। मेरा एक्सेस एडवांस वर्जन का है, इसलिए यहाँ पर ऐड टेबल शो हो रहा है। यहाँ से आप क्वेरीज टैब को एक्टिवेट कर सकते हैं अगर रिलेशनशिप क्वेरीज पर बेस्ड है। अगर रिलेशनशिप टेबल्स एंड क्वेरीज बोथ पर है, तो आप ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टेबल सेलेक्ट किया हुआ है, स्टूडेंट टेबल को सेलेक्ट किया एंड क्लिक ऑन ऐड। देखिए, स्टूडेंट टेबल के सभी फील्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। फिर मार्क्स टेबल को सेलेक्ट किया एंड क्लिक ऑन ऐड। यहाँ पर स्टूडेंट्स टेबल पेरेंट टेबल है और मार्क्स टेबल चाइल्ड टेबल है। स्टूडेंट्स, दोनों टेबल में रिलेशनशिप सेम नेम के मैचिंग फील्ड पर काम करता है। ज़्यादातर केसेस में ये मैचिंग फील्ड प्राइमरी की होते हैं, एक टेबल के जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं ईच रिकॉर्ड को और फॉरेन की दूसरे टेबल का। पेरेंट टेबल में ये प्राइमरी की है और चाइल्ड टेबल में ये फॉरेन की है। क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे ऐड टेबल डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए। पेरेंट टेबल के प्राइमरी की को चाइल्ड टेबल के प्राइमरी की पे ड्रॉप करेंगे। एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, क्लिक ऑन क्रिएट। ये लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, ये शो कर रहा है कि टेबल यहाँ पर लिंक हो गया। इसे ही रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स कहते हैं।
एक्सेस दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करता है, यह हेल्प करता है दोनों टेबल को जोड़कर लार्ज टेबल बनाने में। दोनों टेबल कॉमन फील्ड के आधार पर लिंक्ड है। कॉमन फील्ड यहाँ पर क्या है? रोल नंबर। क्विक एक्सेस टूल बार से सेव बटन पर क्लिक करेंगे रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, फिर लिंक्ड टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करेंगे। स्टूडेंट, दोनों टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद यदि आप फील्ड्स में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो पहले रिलेशनशिप आपको डिलीट करना होगा। रिलेशनशिप डिलीट करने के लिए लाइन पर क्लिक करेंगे और फिर डिलीट बटन को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ क्वेरी। तो सबसे पहले यहाँ से हम उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे जिस पर क्वेरी क्रिएट करना है। स्टूडेंट्स, एक्सेस आपको दो तरह से क्वेरी क्रिएट करने के तरीके प्रोवाइड करता है, बाय यूजिंग क्वेरी विजार्ड एंड क्वेरी डिजाइन। आप यहाँ पर डिजाइन व्यू में क्वेरी क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी डेटाबेस ओपन है, रिबन पर क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे। अब क्वेरीज ग्रुप के क्वेरीज डिजाइन कमांड पर क्लिक। एड टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, जहां से आप टेबल या क्वेरीज को सेलेक्ट करेंगे क्वेरी डिजाइन में ऐड करने के लिए। स्टूडेंट टेबल सेलेक्ट किया एंड क्लिक ऑन ऐड। स्टूडेंट टेबल ऐड हो गया यहां पर। सेलेक्टेड टेबल स्मॉल विंडो के फॉर्म में क्वेरी डिजाइन के अपर सेक्शन में अपीयर हो गया, जिसे ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पेन कहते हैं। सेलेक्टेड क्वेरी टेबल लिस्ट ऑफ फील्ड्स को डिस्प्ले करता है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ फील्ड्स दिख रहे हैं। डबल क्लिक करेंगे उन फील्ड नेम्स पर जिन्हें आप क्वेरी में ऐड करना चाहते हैं। आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से भी फील्ड को ऐड कर सकते हैं। सारे फील्ड्स यहाँ पर ऐड हो गए। डिजाइन व्यू हमें ज्यादा कंट्रोल देता है क्वेरी पर। डिजाइन ग्रिड स्प्रेडशीट के जैसा होता है। डिजाइन ग्रिड में फील्ड फर्स्ट रो टेबल से सेलेक्टेड फील्ड नेम्स को डिस्प्ले करता है। टेबल फील्ड नेम के नीचे एग्जिस्टिंग टेबल नेम को शो करता है। सॉर्ट, ये प्रॉपर्टी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में फिल्टर करने के लिए होता है। सॉर्ट पे क्लिक करिए, देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग। आप फील्ड को किस ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। आपको जरूरत हो तभी आप इसको यूज करेंगे। शो रो चेक मार्क को डिस्प्ले करता है। जब क्वेरी रन होता है तब चेक मार्क्स फील्ड के इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। अगर आप फील्ड को हाइड करना चाहते हैं ड्यूरिंग रन टाइम, तब आप चेक मार्क को डिसलेक्ट कर देंगे इस पर क्लिक करके। क्राइटेरिया, यहाँ कंडीशन लगाया जाता है जिसके आधार पर रिकॉर्ड्स फिल्टर होंगे क्वेरी आउटपुट में, और ये प्रॉपर्टी क्वेरी में मल्टीपल क्राइटेरिया सेट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आप सीखेंगे सिंपल क्राइटेरिया कैसे स्पेसिफाई करते हैं। डिजाइन ग्रिड के क्राइटेरिया रो में कंडीशन स्पेसिफाई करने पर क्वेरी आउटपुट में डेटा अकॉर्डिंगली फिल्टर होंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। क्लास 8 स्टूडेंट्स के रोल नंबर और नेम ऑफ स्टूडेंट को व्यू करने के लिए, देखिए क्लास 8 स्टूडेंट्स, तो क्लास के कॉलम में हम आ गए, क्राइटेरिया पे आ गए। क्राइटेरिया रो पर क्लिक किया और यहाँ पर इक्वल टू 8 लिख दिया। क्लास 8 स्टूडेंट्स के रोल नंबर और नेम, यही दो चाहिए, एड्रेस और सिटी नहीं चाहिए, तो इसको हम डिसलेक्ट कर देते हैं। क्वेरी को सेव करेंगे। डायलॉग बॉक्स सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। क्वेरी नेम टाइप किया, क्लिक ऑन ओके। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेरी नेविगेशन पेन में ऐड हो गया। यहाँ पे क्वेरी क्लोज करेंगे, ऐड टेबल को क्लोज कर दिया, इसको क्लोज किया और अब क्वेरी पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर रोल नंबर और फर्स्ट नेम है और क्लास है और कोई भी सिटी एंड एड्रेस नहीं शो कर रहा है। इसी तरह से आप दो या दो से ज़्यादा टेबल में कॉलम फील्ड्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं और क्वेरी फीचर को यूज़ करके रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग मल्टीपल क्राइटेरिया।
क्वेरी में मल्टीपल क्राइटेरिया स्पेसिफाई करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सपोज आप क्लास 8 एंड 9 के रिकॉर्ड्स को एक साथ देखना चाहते हैं, इसके लिए क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्वेरीज ग्रुप से क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे, टेबल से स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन ऐड और स्टूडेंट टेबल यहाँ पर ऐड हो गया। यहाँ से जिन फील्ड्स को आपको सेलेक्ट करना है डबल क्लिक करेंगे। क्योंकि क्लास 8 और 9 के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए, इसलिए क्लास के कॉलम में क्राइटेरिया रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इक्वल टू 8 लिखेंगे, फिर और रो में कर्सर लाके इक्वल टू 9 लिखेंगे। क्लिक ऑन सेव, यहाँ पर क्वेरी MULTI मल्टीपल है ना, सेव एज, डायलॉग बॉक्स में क्वेरी नेम लिख दिया, क्लिक ऑन ओके। एप्लीकेशन पेन में क्वेरी ऑब्जेक्ट ऐड हो गया, उस पर डबल क्लिक करेंगे और अब यहाँ देखिए रोल नंबर, फर्स्ट नेम, सिटी और क्लास 8 एंड 9 के सभी बच्चों के रिकॉर्ड यहाँ पर शो कर रहे हैं। अगर आप उन बच्चों के नेम देखना चाहते हैं जो नोएडा और गाजियाबाद से आते हैं तो उसके लिए फिर से क्रिएट करेंगे क्वेरी, क्लिक ऑन क्रिएट, सेलेक्ट क्वेरी डिजाइन फ्रॉम द क्वेरीज ग्रुप, सेलेक्ट टेबल स्टूडेंट, क्लिक ऑन ऐड, टेबल यहाँ पर ऐड हो गया, डबल क्लिक करेंगे फील्ड नेम पर जो हमें ऐड करना है, फिर सिटी कॉलम में क्राइटेरिया रो पर कर्सर लाएंगे और यहाँ पर लिखा हमने इक्वल टू नोएडा और गाजियाबाद के लिए और रो पे कर्सर लाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू गाजियाबाद। क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्वेरी वन लिखा है सेव एज डायलॉग बॉक्स में, इसी पे क्लिक कर देते हैं। नेविगेशन पेन में क्वेरी वन यहाँ पर ऐड हो गया है, डबल क्लिक करेंगे और ये देखिए रोल नंबर, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी एंड क्लास, सिटी में नोएडा एंड गाजियाबाद ही डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से मल्टीपल क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं क्वेरी में। नेक्स्ट इज फॉर्म। स्टूडेंट्स, इन जनरल फॉर्म एक पीस ऑफ पेपर है जिसमें यूजर स्पेसिफिक फील्ड में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को फिल करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी फॉर्म इसी तरह से काम करता है। यह आपको टेबल में एक रिकॉर्ड में डेटा ऐड और अपडेट करने के लिए अलाउ करता है। अब आप सीखेंगे कि फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। रिबन में क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे, फॉर्म्स ग्रुप से फॉर्म ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए फॉर्म ओपन हो गया। रिबन में थ्री न्यू टैब्स डिजाइन, अरेंज एंड फॉर्मेट अपीयर हुए हैं और होम टैब के व्यू ड्रॉप डाउन एरो पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थ्री व्यू शो कर रहे हैं, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू एंड डिजाइन व्यू। ये फॉर्म लेआउट व्यू में ओपन हुआ है जहाँ आप फॉर्म का अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। फॉर्म व्यू का यूज डेटा को एंटर, एडिट एंड व्यू करने के लिए होता है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हाईलाइट हो गया रोल नंबर, तो अब इन रिकॉर्ड्स को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दूसरे रिकॉर्ड्स पर जाने के लिए रिकॉर्ड नेविगेशन बार यूज कर सकते हैं और या तो कीबोर्ड से एरो की भी आप यूज कर सकते हैं। डिजाइन व्यू का यूज फॉर्म के डिजाइन को एडजस्ट करने में होता है। यह आपको फॉर्म के स्ट्रक्चर का डिटेल्ड व्यू देता है, जैसे हेडर, डिटेल एंड फुटर सेक्शन। लेआउट व्यू का यूज फॉर्म के अपीयरेंस एंड साइज ऑफ वेरियस कंट्रोल्स को चेंज करने के लिए होता है। आप यहां से न्यू डेटा को भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एड्रेस, सिटी, क्लास, जो भी आप यहां से रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं एंटर कर सकते हैं। फिर देखिए तो फॉर्म में एक ही रिकॉर्ड के सारे डेटा को आप एंटर यहां से कर सकते हैं और जब रिकॉर्ड एंटर हो जाए पूरा तो क्विक एक्सेस टूल बार से सेव बटन पे क्लिक करेंगे, इसको यहां से सेव। नेविगेशन पेन में फॉर्म ऐड हो गया। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग अ फॉर्म।
स्टूडेंट्स आप फॉर्म के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं डिजाइन एंड फॉर्मेट टैब को यूज करके। डिजाइन टैब को यूज करके आप फॉर्म में लोगो एंड टाइटल ऐड कर सकते हैं। डिजाइन टैब के हेडर एंड फुटर ग्रुप में प्रेजेंट लोगो एंड टाइटल ऑप्शन को यूज करके। यूजिंग फॉर्मेट टैब, आप फॉर्मेट टैब के वेरियस ऑप्शंस को यूज करके फॉन्ट ऑफ लेबल्स चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हैं, शेप्स के कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप सीखेंगे रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स रिपोर्ट इफेक्टिव वे है डेटा को ऑर्गेनाइज एंड समराइज करने का, जिससे हम आसानी से डेटा को व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। रिपोर्ट भी उसी तरह से क्रिएट करते हैं जैसे फॉर्म को क्रिएट किया जाता है। तो चलिए रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे, रिपोर्ट ग्रुप से रिपोर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देखिए रिपोर्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट टेबल को सेलेक्ट किया है तो इसके जितने फील्ड है यहाँ पर सब डिस्प्ले हो रहे हैं, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी एंड क्लास। देखिए यहाँ रिबन में 4 न्यू टैब अपीयर हो गए, डिजाइन, अरेंज, फॉर्मेट एंड पेज सेटअप, जो आपको रिपोर्ट फॉर्मेट एंड डिजाइन करने में हेल्प करेगा। क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। जो भी यहाँ पर आपको नेम लिखना है वो लिख के क्लिक ऑन ओके। नेविगेशन पैन में रिपोर्ट ऐड हो गया। स्टूडेंट रिपोर्ट में भी आप फॉर्म की तरह डिजाइन और फॉर्मेट टैब्स यूज करके फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग अ रिपोर्ट। रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए फाइल टैब सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके पेज पे कैसे प्रिंट होगा रिपोर्ट आप देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू डिस्प्ले करता है कि रिपोर्ट पेज पर कैसा दिखेगा। ये आपको पेज ओरिएंटेशन, पेज सेटअप चूज करने के लिए भी अलाउ करता है। आप क्विक एक्सेस टूल बार से भी प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके पेज पे कैसे दिखेगा ये रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आपको पेज साइज, मार्जिन वेट और पेज ओरिएंटेशन को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है तो रिबन पर से रिलेटेड कमांड्स को यूज करके चेंजेस कर सकते हैं। प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, डिजायर्ड प्रिंट ऑप्शन को सेट करेंगे और क्लिक ऑन ओके। स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, रिपोर्ट एंड फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं सिखाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।